वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय साधनवर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक जिसका उन्वान है, नाम है, टाइटल है थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। आज हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के हमारे पास तीन केस होते हैं। केस वन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द थ्री रिएक्टेंट्स आर इक्वल। केस सेकंड, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स आर इक्वल व्हाइल कंसंट्रेशन ऑफ थर्ड रिएक्टेंट इज डिफरेंट। केस थर्ड, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ थ्री रिएक्टेंट्स आर अनइक्वल, तीनों के तीनों ही अनइक्वल। तो ये हमारे पास तीन केस बन गए। जी हाँ स्टूडेंट, ये हमारे पास पहला केस है जिसमें क्या है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द थ्री रिएक्टेंट्स आर इक्वल, तीनों के तीनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इक्वल है। आइए इस केस को हम डिस्कस करते हैं, इसकी काइनेटिक्स को डिस्कस करते हैं। सपोज आवर रिएक्टेंट्स आर कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, वी हैव थ्री रिएक्टेंट्स एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ दीज रिएक्टेंट इज स्मॉल ए। इस रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन है स्मॉल ए मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन भी उतनी ही जितनी रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन है। रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन स्मॉल ए मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, तो रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन भी यही लेंगे, स्मॉल ए मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। और रिएक्टेंट सी की भी उतनी ही कंसंट्रेशन लेंगे जितनी रिएक्टेंट ए की और रिएक्टेंट बी की ली, बिकॉज वी आर इन दैट केस वेयर वी हैव इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्री रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट सी की कंसंट्रेशन भी हमने क्या लेनी, स्मॉल ए मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। और जब टाइम टी होगा जीरो, इसका मतलब है कि अभी प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा। टाइम टी जीरो का मतलब है रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ। रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट क्या खाक बनेगा, तो प्रोडक्ट भी जीरो मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। और जब इस रिएक्शन को शुरू हुए कुछ लम्हे, कुछ मिनट, कुछ टाइम हो चुका होगा, टाइम हो गया होगा टी, यानी कि रिएक्शन शुरू हुए कुछ देर होगी, तो प्रोडक्ट बन चुका होगा। जो प्रोडक्ट की अमाउंट बनी है उसको हम जाहिर कर देते हैं एक्स मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये प्रोडक्ट की अमाउंट बनी है एक्स मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। जब प्रोडक्ट बन चुका है इसका मतलब है रिएक्टेंट्स की अमाउंट में कमी होगी। तो कितनी कमी हुई होगी, देखें पहले इसकी, इस रिएक्टेंट ए की अमाउंट थी ए मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, अब इसकी अमाउंट बन जाएगी ए माइनस एक्स, क्योंकि प्रोडक्ट एक्स इसमें से बन गया मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। और रिएक्टेंट बी की अमाउंट बन जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन क्या थी ए, तो अब हो जाएगी ए माइनस एक्स मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। और रिएक्टेंट सी की कंसंट्रेशन पहले थी स्मॉल ए मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, तो जब प्रोडक्ट एक्स बन गया तो अब रिएक्टेंट सी की कंसंट्रेशन भी ए माइनस एक्स मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर होगी, हो जाएगी, ये इनकी कंसंट्रेशन हो जाएंगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है। रेट ऑफ दिस रिएक्शन डी एक्स ओवर डी टी डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल दीज थ्री रिएक्टेंट्स एट टाइम टी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा इन रिएक्टेंट्स की उस कंसंट्रेशन पे जो एट टाइम टी है। टाइम टी कंसंट्रेशन क्या है, a माइनस एक्स और a माइनस एक्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स रेट ऑफ दिस रिएक्शन डी एक्स ओवर डी टी डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल दिस थ्री रिएक्टेंट्स एट टाइम टी। इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए, रिएक्टेंट्स बी एंड रिएक्टेंट सी एट
टाइम टी। हम इसको अब ऐसे लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इसका हम ऐसे लिखेंगे डी एक्स ओवर डी टी इज ए रेट ऑफ रिएक्शन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट ए की बची हुई कंसेंट्रेशन के, रिएक्टेंट बी की बची हुई, जो रिएक्टेंट बी की बची हुई कंसेंट्रेशन है वो क्या है हमारे पास, वो है वो भी ए माइनस एक्स है। गलती से मैंने बी लिख दिया, वो भी ए माइनस एक्स है क्योंकि सेम कंसेंट्रेशन ले रहे हैं। रिएक्टेंट सी की रिमेनिंग कंसेंट्रेशन क्या है, ए माइनस एक्स। तो इनको हम अगर एक साथ लिखें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए माइनस एक्स का एक दो तीन तो क्यूब ले लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे, साइन ऑफ इक्वालिटी और एक कांस्टेंट के लगाएंगे, ए माइनस एक्स होल क्यूब। इसको इक्वेशन वन कह दें। इक्वेशन वन हमें क्या बताती है वो हम लिखते हैं। हमने ये लिखा है कि इक्वेशन वन हमें क्या बताती है, इक्वेशन वन हमें वो स्पीड वो रेट बताती है जिससे रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन इज प्रोग्रेसिंग, रिएक्शन की प्रोग्रेस हो रही है। हमें कौन से इक्वेशन चाहिए, हमें एक ऐसे इक्वेशन चाहिए जो एट टाइम टी हमें प्रोडक्ट की अमाउंट बता दे और ये बता दे कि बाकी मानदा कितना रिएक्टेंट्स रह गया एट टाइम टी, जो हमें प्रोडक्ट एक्स की अमाउंट बता दे और पीछे बचने वाले रिएक्टेंट्स की अमाउंट बता दे। तो इसके लिए हम इक्वेशन वन की इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने से पहले हमें इक्वेशन वन में कुछ तब्दीलियां, कुछ चीजों को इधर से उधर करना पड़ता है, वो बहुत सादा। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल डू द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में कुछ वेरिएबल्स को इधर से उधर करें, लाइक देख लें डी एक्स, इसके नीचे लिख दें ए माइनस एक्स होल क्यूब, क्या इधर ही रहने दें और ये डी टी इधर ले जाएं। ये हो गई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब हमें इसके बाद सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के बाद इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, इस तरफ भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें, इस तरफ भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें। इस साइड के जो इंटीग्रेशन है वो एक सिंपल इंटीग्रेशन है। हम जरा यहाँ रफ वर्क में देखते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। देखें, हमारे पास है डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स होल क्यूब, हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो पहला काम यह करें कि इसकी इंटीग्रेशन करते समय इसे ऊपर उठा कर ले जाएं, इस पूरे फैक्टर को ऊपर ले जाएं। जब इस पूरे फैक्टर को ऊपर ले जाएंगे तो ए माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री हो जाएगी और साथ में ये वाला डी एक्स। इंटीग्रेशन इज बड़ी सिंपल, ए माइनस एक्स की पावर है माइनस थ्री, खुद से उसमें प्लस वन कर दें और यही पावर यहां भी लिख दें माइनस थ्री प्लस वन, ठीक। और बगैर पावर के ए माइनस एक्स, बगैर पावर के ए माइनस एक्स का डेरिवेटिव साथ में लें तो यहां से देखें क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू। ए माइनस एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ए माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेने से हमारे पास क्या आता है, माइनस वन आता है। तो देख लें कैसे लेंगे, ए माइनस एक्स का डेरिवेटिव हम लें डी माइनस डी ओवर डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा, सिर्फ माइनस बचेगा, माइनस बाहर ले जाए डी ओवर डी एक्स, तो यहां से माइनस, ये यहां से वन, तो ए माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन आया जो हमने यहां पे लिख दिया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, ए माइनस एक्स की पावर माइनस टू और नीचे टू। जिस तरह से ऊपर ले गए थे वैसे से नीचे ले आए, नीचे लाने से इसका क्या वैल्यू बनेगी, वन ओवर टू पहले था, ए माइनस एक्स की पावर माइनस टू थी, अब प्लस टू हो जाएगी। तो ये रिजल्ट आ गया इसकी जब हमने इंटीग्रेशन की, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो हमने यहाँ ये रिजल्ट लिख देना है, वन ओवर टू ए माइनस एक्स की पावर टू और यहां से बड़ा सिंपल इंटीग्रेशन, के कांस्टेंट है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर ले जाएं। ये इंटीग्रेशन हम सब बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे, वन ओवर टू ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ये इसको कैंसिल कर देगा, यूं समझ लें के टी प्लस सी, ये रिजल्ट आ गया इस इक्वेशन का, इसको इक्वेशन टू कह दें।
इक्वेशन टू में ये जो सी है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इक्वेशन टू में ये जो सी है वो सी क्या है, सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो लिखें सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन इक्वेशन टू। अब हमको क्या करना होता है, इक्वेशन टू में ये जो सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है इन ऑर्डर टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी वी अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। और बेस्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है कि when t is equal to 0, when t is equal to 0, x is equal to 0, जब टाइम 0 होगा तो प्रोडक्ट कुछ नहीं बना होगा, x is equal to 0 होगा। तो इसको, इस बाउंड्री कंडीशन को इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो 1 ओवर 2, पुट दिस बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन 2, लिख लें, पुट दिस बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन 2, तो क्या बनेगी इक्वेशन 2, 1 ओवर 2, a x की जगह पे 0, k इस t की जगह पे 0 प्लस c, k जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्लस c, यहां से ये कैसे हो जाएगा 1 ओवर 2, 0 का तो कुछ होता ही नहीं, उसका स्क्वायर भी 0, तो 1 ओवर 2 a का स्क्वायर, तो ये इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास, ये c की समझें कि वैल्यू आ जाएगी। इसको जरा मैं अगले पेज पे करके लिख देता हूँ, हमारे पास वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी की, इसको इक्वेशन 3 कह दें। अब क्या करना है, बहुत सिंपल, पुट कर दें इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में, पुट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, ये देखिए 2 a माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू के टी, और c की जगह पे उसकी वैल्यू 1 ओवर 2 a स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, c की वैल्यू हो गई। इसको भले आप इक्वेशन 4 कह दें, इसमें थोड़ी सी, इस इक्वेशन 4 में थोड़ी सी हम चेंजिंग करेंगे, थोड़ा इसका मेकअप करेंगे, चीजों को इधर से उधर लेकर जाएंगे, तो ज़रा लेकर जाएं तो देखें क्या बनता है, बहुत सिंपल, कैसे 1 ओवर 2 a माइनस x होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 a स्क्वायर, ये वाला हम इधर ले आए, इज इक्वल टू kt, ये हमने लिख दिया, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लें 2 a स्क्वायर a माइनस x होल स्क्वायर, ये एलसीएम आएगा, तो हमने इसका एलसीएम लिया तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से सिर्फ a स्क्वायर बचेगा। देखें एलसीएम लेना बास बच्चों को, बास स्टूडेंट्स को मुश्किल हो रही होती है, हमने भी एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ऊपर क्या आएगा देखते हैं, वो हम कैसे लिख सकते हैं, याद रहे एक चीज रफ वर्क में देखें कि हमारे पास एलसीएम था 2 a स्क्वायर a माइनस x होल स्क्वायर, ये हमारा एलसीएम था, तो अब हमने जो एलसीएम लिया उसको मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे के पूरे फैक्टर के साथ 1 ओवर 2 a माइनस x होल स्क्वायर, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, a माइनस x होल स्क्वायर इस a माइनस x होल स्क्वायर से कैंसिल, पीछे क्या बच गया, सिर्फ ये a स्क्वायर बच गया, तो ये स्क्वायर हमने यहां लिख दिया। इसी तरह अब आगे करें 1 ओवर 2 a स्क्वायर, ये हमारा ये पूरा फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम की वैल्यू के साथ, एलसीएम क्या है 2 a स्क्वायर a माइनस x होल स्क्वायर, तो 2 a स्क्वायर से 2 a स्क्वायर कैंसिल, पीछे क्या बच गया a माइनस x होल स्क्वायर बच गया, a माइनस x होल स्क्वायर हम यहां लिख देंगे। इस तरह हम एलसीएम लेने के बाद ऊपर ये इन चीजों को लिख पाते हैं, kt a स्क्वायर माइनस, इसको जरा स्क्वायर को खोले तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस
x square minus 2ax, इसमें हमने कौन सा फार्मूला लगाया, a माइनस बी होल स्केयर वाला फार्मूला जो हम स्कूल के जमाने में पढ़ते थे, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab, ये वाला फार्मूला मैथमेटिक्स का, ये वाला फार्मूला हमने यहाँ लगाया और ये इक्वेशन ओपन हो गई, ओवर 2a स्केयर a माइनस x होल स्केयर और यहाँ से kt। अब यहाँ से जरा माइनस को अंदर ले जाएं, जब हम माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्केयर माइनस ए स्केयर, ये वाला माइनस इस प्लस को भी माइनस कर देगा, एक्स स्केयर, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, टू ए एक्स, और पीछे क्या बचेगा, टू ए स्केयर ए माइनस एक्स होल स्केयर इज इक्वल टू के टी। तो इक्वेशन की ये शेप हो जाएगी, इसके बाद कुछ कैंसल आउट होगा, ये ए स्केयर और ये ए स्केयर ये आपस में कैंसल आउट हो रहे हैं, आगे चलते हैं। तो जब ये कैंसल आउट हमने कर दिया तो ये वाली हमारे पास इक्वेशन बच गई। इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे एक दफा लिख लें, के टी इज इक्वल टू टू ए एक्स माइनस एक्स स्केयर ओवर टू ए स्केयर ए माइनस एक्स होल स्केयर, यहाँ से के को इधर ही रहने दें, जो कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, टाइम को उधर ले जाएं तो वन ओवर टी, और इसको यू मिली, यहाँ से ऊपर एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं, अगर एक्स को हम कॉमन ले लें तो ये बचेगा टू ए माइनस एक्स, नीचे क्या बचेगा, टू ए स्केयर ए माइनस एक्स का होल स्केयर, ये हमारे पास इक्वेशन, इसको इक्वेशन फाइव का नंबर दे दें। इस इक्वेशन फाइव के बारे में चंद एक बातें डिस्कस कर लेते हैं, इक्वेशन फाइव क्या है, हमें क्या बता रही है। देखें, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड टी, एक्स क्या है प्रोडक्ट जो कि बन रहा था, और टाइम टी जो कि हम देखेंगे 5 मिनट हो गए 10 मिनट हो गए, फॉर रिएक्शन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट के कैन बी कैलकुलेटेड। इस इक्वेशन में टाइम टी की वैल्यू को पुट करके और एक्स की वैल्यूज को पुट करके हम कैलकुलेट कर पाएंगे के, और अगर के की वैल्यू हर बार कांस्टेंट आ जाए, हर बार कांस्टेंट आ जाए तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन बिल्कुल सही है और रिएक्शन बाकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब इस इक्वेशन को जरा हम इस इक्वेशन का जरा एक प्लॉट ड्रा करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं इस इक्वेशन का। मैं इसे अगले पेज पर इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ, इनको मैंने दोबारा लिखा, फिर टी को उस तरफ ले गए, ये चीज आ जाए कि वाई एक्सिस में, और ये चीज इसमें टी आ जाएगा एक्स एक्सिस में, और ये जो के है ये हमारी स्लोप है, ग्राफ की स्लोप है, इसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं है। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस पर टी की टाइम की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, वाई एक्सिस पर ये वाली सारी वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स जो प्रोडक्ट बना टू ए, हमें ये पता है कि इनिशियल कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या थी, और 2a स्क्वायर a हमें पता है क्या थी इनिशियल कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की, तो a स्क्वायर भी हमें पता होगा, a माइनस x होल स्क्वायर, सारी वैल्यूज यहां जाएंगी, और जो ये ग्राफ आएगा ये ओरिजिन में से गुजरेगा क्योंकि इस ग्राफ का कोई इंटरसेप्ट नहीं है। इस ग्राफ की हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे, स्लोप इसका बराबर होगा के, या दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इसका थीटा ले लें और इस थीटे का टेन थीटा ले लें तो वो भी स्लोप हमें दे देगा। अब हम यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स देख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है, हमने इससे थर्ड ऑर्डर रेट कांस्टेंट के यूनिट निकालने हैं, तो हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं, वन ओवर टू पहले यहाँ था, हमने यहाँ पे लिख लिया, कोई मसला नहीं। टी इज ए टाइम, टाइम क्या है सेकेंड, टाइम बच्चे को पता है कि टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। एक्स है प्रोडक्ट की जो अमाउंट बन रही थी, जो कंसेंट्रेशन बन रही थी, उस कंसेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, 2a माइनस एक्स भी कंसेंट्रेशन है तो इसका इसके यूनिट्स भी मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। नीचे आ जाएं, a है, a इज कंसेंट्रेशन तो इसके यूनिट मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, और यहाँ पर स्केयर है तो हमने स्केयर ले लिया, और a माइनस एक्स के यूनिट भी यही मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, चूंकि स्केयर था तो हमने स्केयर ले लिया। के टू, हमें टू का तो कोई यूनिट नहीं है तो उससे घबराना नहीं, पर सेकंड। देखें अब कुछ तो कैंसिल होगा, अगर इसको हम यूं लिख लें मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, एक दफा ये है एक दफा ये है, तो हम इसको अगर स्केयर ले लें
तो नीचे भी स्क्वायर है मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर का स्क्वायर ताकि ये कैंसल आउट हो जाए, और इस स्क्वायर को जरा ओपन कर लें, मोल्स का स्क्वायर डीएम माइनस 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ये वाला तो हमारे पास हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा, और के इज इक्वल टू सेकंड ऊपर जाके पर सेकंड हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो मोल्स माइनस 2 हो जाएगा और डीएम प्लस 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास के यूनिट बनेंगे, के इज थर्ड ऑर्डर रेट कांस्टेंट के ये हमारे पास यूनिट बनेंगे। ये हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन थी, यहां से हम टी को अलग कर लेते हैं, टी बराबर है 1/k, ये 2 भी जरा कांस्टेंट है तो इसको इधर लिख लेते हैं, और ए स्क्वायर को भी इसके साथ लिख लेते हैं, तो यहां हो जाएगा एक्स 2a माइनस एक्स ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारी हेल्प करेगी हाफ लाइफ के कैलकुलेशन में। हाफ लाइफ क्या होता है बच्चे को पता है, हमें पता है कि हाफ लाइफ क्या होता है, जब टाइम हो जाए क्या t हाफ और x बराबर हो जाए जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन a है उसका हाफ। a बाय 2 का क्या मतलब होता है 0.5a, a बाय 2 का मतलब होता है 0.5a। तो हमारे पास ये वैल्यूज हो गई और एक वैल्यू ये हो गई, इसको जरा यहाँ पुट कर दें, t की जगह पर t हाफ लिख दें, 1/2a² के x की जगह पर हम क्या लिखेंगे 0.5a, क्योंकि x बराबर है 0.5a के, तो 2a फिर इस x की जगह पर क्या लिखेंगे 0.5a, क्योंकि x बराबर है 0.5a के, डिवाइडेड बाय a माइनस x की जगह पर हम क्या लिखेंगे 0.5a, और इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो t हाफ बराबर हो जाएगा 1/2a² के इनटू 0.5a। अब 2a में से 0.5a निकालें, 2 में से 0.5 निकालें, तो ये बनता है हमारे पास 1.5a बनता है। नीचे जरा इसको ओपन करें, a स्क्वायर प्लस 0.5a का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो जाएगा 0.25a² माइनस, और माइनस देखें अदर स्क्वायर ओपन करें तो ये माइनस हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, जरा मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर। देखें कैसे स्क्वायर ओपन किया, घबराना नहीं है, ये बिल्कुल ये रखो a माइनस 0.5a होल स्क्वायर। स्क्वायर कैसे ओपन किया, a स्क्वायर प्लस इस पर 0.5a का स्क्वायर माइनस 2 इनटू a 0.5a, इससे a स्क्वायर 0.5a स्क्वायर से क्या है 0.25a² मल्टीप्लाई करें 2 को 0.5 से तो हमारे पास 1 आता है, तो इससे a स्क्वायर हमारे पास आ गया, ये रिजल्ट आ गया जो कि हमने यहां पर इसको लिख दिया t हाफ 1/2a² के 0.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75, और ये a और ये a, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये माइनस a स्क्वायर था, ये प्लस a स्क्वायर था, ये कैंसिल आउट हो गए और यहां पे बच गया 0.25a² इस तरफ आ जाए t हाफ 1/2a² के, अब 0.75 को डिवाइड करें 0.25 से, ये कैलकुलेटर लें और डिवाइड करें 0.75 को 0.25 से, तो आंसर 3 आता है, अगर आप विजिबल है तो आंसर आपको 3 नजर आएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, ये a स्क्वायर तो a स्क्वायर वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप t हाफ 3/2a² के 3 को 2 से जरा डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5/ka, ये वैल्यू आपको किताबों में बुक्स में मिलेगी, हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की ये वैल्यू है 1.5/ka² 1.5/ka²
तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर अबाउट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का पहला केस। बाकी केस भी हम करेंगे, तो इसमें आपको कुछ पूछना हो, कोई बात आपको ना समझ आए तो कमेंट्स में बताएं। और काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।